आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बेंगलुरु की, जहां पर हुलीमाऊ झील की दीवार टूटने से पूरा शहर पानी पानी हो चुका है, सैकड़ों घरों में पानी घुस चुका है, तो वहीं सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आए। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे पानी के आगोश में पूरा बेंगलुरु शहर इस वक्त समाया हुआ है। नवंबर में पानी पानी हुआ बेंगलुरु, पानी के आगोश में समाया पूरा शहर, सड़कों पर कई फीट तक जमा हुआ पानी, पानी में डूबे लोगों के आशियाने, जिधर नजर घुमाइए पानी ही पानी नजर आएगा, सड़कों पर पानी, घरों में पानी, अस्पताल में पानी, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पानी ने अपना डेरा ना जमा लिया हो। पानी के आगोश में समाये शहर की तस्वीरें बेंगलुरु की हैं। ये तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि कहीं नवंबर में बेंगलुरु पर आसमानी आफत तो नहीं टूट पड़ी है, तो जरा रुकिए, क्योंकि ये कुदरत का कहर नहीं बल्कि इंसानी चूक का नतीजा है। क्योंकि बेंगलुरु में जल तांडव की वजह से शहर के बीच से गुजरने वाली हुलीमाऊ झील है, जिसकी दीवार अचानक टूट जाने से झील का पूरा पानी शहर में घुस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि महज कुछ पल में ही पूरा शहर पानी पानी हो गया। पानी के बहाव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब पानी शहर में घुसा होगा तो लोगों में डर और दहशत किस कदर फैली होगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर बिना बारिश के ये हो क्या रहा है। जब तक प्रशासन कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 100 से ज्यादा घर पानी में डूब गए, कुछ इलाकों में तो अस्पतालों में पानी घुस गया। अस्पताल का अंडरग्राउंड एरिया पूरी तरह पानी में समा गया। इमरजेंसी कंपाउंड में 6 फीट से ज्यादा पानी भर गया। वहीं सड़कों पर जगह जगह खड़ी गाड़ियां पानी में समा गई। खबर है कि करीब 1000 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। झील की दीवार टूटने की खबर मिलते ही एक तरफ प्रशासन की टीम पानी का बहाव रोकने में जुट गई, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ और पुलिस के जवान शहर में सैलाब में घिरे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे नजर आए। हुलीमाऊ झील बेंगलुरु दक्षिण के बमनहाली नगरपालिका सीमा में पड़ती है, लिहाजा नगरपालिका के अधिकारी लोगों को हर मुमकिन राहत पहुंचाने में जुटे हैं। वहीं बीबीएमपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं।